पाकिस्तान की कौमी सियासत में लंदन और वाशिंगटन ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है, बल्कि इन दोनों ममालिक की पाकिस्तान की कौमी सियासत पर गहरी छाप रही है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में जो भी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हवाले से अपना किरदार अदा किया है, उसका मरकज़ा या तो लंदन रहा या फिर वाशिंगटन रहा। आजकल पाकिस्तान की सियासत में लंदन प्लान की एक बार फिर बाजगश्त है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लपेटने की तैयारियाँ की जा रही हैं और ये तैयारियाँ लंदन में हो रही हैं। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर आयद किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में लंदन प्लान पहली बार कब दाखिल हुआ और लंदन प्लान के बाद आज तक पाकिस्तान की सियासत में कौन कौन से ये प्लान कामयाब हुए, इस पर आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, पहली बार पाकिस्तान की कौमी सियासत में लंदन प्लान की इस्तलाह 1972 में इस्तेमाल की गई, जब उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात मौलाना कौसर नियाज़ी ने ये इंकशाफ किया कि लंदन में एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जिन लोगों ने शिरकत की है उनका बुनियादी हदफ ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से डीस्टेबलाइज किया जाए। मौलाना कौसर अली नियाज़ी ने जिन नामों का उस वक्त जिक्र किया, इसमें खान अब्दुल वली खान, अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार आयतुल्ला खान मेंगल, वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान अहमद नवाज भुगती और इसी तरह बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान ने लंदन में एक खुफिया मुलाकात की और इसके बाद लंदन प्लान की टर्म इस्तेमाल करते हुए मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा कि इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यह है कि बलूचिस्तान कार्ड को इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया जाए। इसी खुफिया मुलाकात के बाद जब लंदन प्लान का चर्चा होने लगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की हुकूमत को 1973 के अंदर बरतरफ कर दिया और यह हुकूमत ख़त्म कर दी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लंदन प्लान की इस्तलाह इस्तेमाल हुई। उसके बाद मतवातिर खुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस प्लान का अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में जिक्र करते रहे। अब उसके बाद लंदन प्लान, जो बहुत बड़ा लंदन प्लान दूसरी बार हमें देखने को मिला, वो मुशर्रफ आमरीत के ख़िलाफ़ था, जब 2006 में पाकिस्तान की बड़ी जमातों में जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने लंदन के अंदर एक बैठक की और उस बैठक के दौरान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया और ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान से आमरीत का खात्मा करना है और आमरीत के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात तय की गई कि मुल्क के अंदर जमहूरियत के नफाज के लिए तमाम सियासी जमातें किरदार अदा करेंगी और जमहूरियत को डीरेल करने के हवाले से किसी भी दूसरी या तीसरी कुव्वत का सहारा नहीं बनेंगी। इसके बाद 2014 में एक और लंदन प्लान हुआ और 2014 के लंदन प्लान की बाजगश्त आज दोबारा से सुनाई दे रही है कि जब पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि लंदन में इन्होंने खुफिया बैठक की है और उस खुफिया बैठक में मौलाना ताहिरुल कादरी भी शामिल थे और चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जो जमातें हैं उनको वहाँ पर जमा किया गया और ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को कैसे ख़त्म करना है। 2014 का वो दिन है जब अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को एक साल भी नहीं हुआ था और इस प्लान के नतीजे में इस्लामाबाद में एक धरना हुआ और उस धरने के नतीजे में रोज़मर्रा की बुनियाद पर यह कहा जाता रहा कि आज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कल हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए। अब फिर एक लंदन प्लान की बाजगश्त है। मियां नवाज शरीफ इस दफ़ा फिर लंदन में हैं, उन पर फिर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो इस लंदन प्लान का हिस्सा हैं और इस वक्त लंदन में जहांगीर तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई जानी पहचानी और बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, जो अपने शुगर स्कैंडल के नतीजे में उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा है और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई, अब ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो है वहाँ पर मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर कोई एक प्लान तरतीब दे रहे हैं। उस प्लान का अल्टीमेट हदफ ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कैसे डिरेल किया जाए। बहुत से मुबसरीन इससे इत्तफाक नहीं करते हैं। हमेशा की तरह लंदन प्लान पर आज तक कभी भी किसी ने जो है उस प्लान को मंजूर एक्सेप्ट नहीं किया और ना सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि कभी तायद भी नहीं की, बल्कि हमेशा तरदीद करते रहे कि हम ऐसे किसी प्लान का हिस्सा नहीं हैं।
अब जो बाजगश्त हो रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को तय करने के लिए हमेशा लंदन का चुनाव क्यों किया जाता है। नाज़रीन, हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि नौ आबादियाती दौर के बाद भी आज माबाद नौ आबादियाती अहद के तनाजुर में लंदन को ही क्यों कलीदी हैसियत हासिल है। इसकी हमें बुनियादी वजह तो ये समझ आती है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे या और बड़ी सियासी जमात, हत्ता के यहाँ की अशराफियाँ हैं, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान, उनके अहलो अयाल, उन सब की जो शहरियत है, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब का जो मरकज़ा है वो लंदन है, उनके मफादात वहाँ पर जुड़े हैं। पाकिस्तान में तो वो सिर्फ सियासत करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए आते हैं, यहाँ के आवाम के साथ धोखा और फ्रॉड करने के लिए आते हैं, उसके अलावा तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, मौजूदा लंदन प्लान के अंदर अगर नवाज शरीफ बाहर मौजूद हैं तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि नवाज शरीफ सेहत की गर्ज से वहाँ पर गए थे, इलाज के गर्ज से वहाँ पर गए थे, अगर उनको मुल्क की इतनी हमदर्दी है, मुल्क के साथ इतना लगाव है, तो उनको वापस आना चाहिए, यहाँ की जमहूरी सियासत के अंदर हिस्सा लेना चाहिए और उनको फौरी तौर पर ऐसा बयान लाजमी तौर पर जारी करना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं है जिसकी बाजगश्त आजकल पाकिस्तान की कौमी सियासी धारे पर नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि लंदन को मरकज़ बनाकर आलमी इस्तेमार ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले किए हैं और पाकिस्तान की जो भी यहाँ की कौमी ताकत है, उसकी तश्कील हो या उसकी हदबंदी हो, वो सब कुछ लंदन या वाशिंगटन में तय किया जाता है। और हमारे लिए ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि ये आखिर क्यों पाकिस्तान का मुकद्दर अभी तक नौ आबादियाती अहद के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर ये मुकद्दर ऐसे ही जुड़ा रहा और पाकिस्तान के कौमी सियासत के फ़ैसले लंदन में बैठकर होते रहे तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमेशा ऐसे ही रहेगा और ये मुस्तकबिल हमेशा तारीकी की तरफ मज़ीद ढकेलता चला जाएगा। क्योंकि हमें इससे निजात हासिल करनी है तो हमें ख़ास तौर पर इन जैसे लंदन प्लान से छुटकारा हासिल करना होगा और कौमी सतह पर आवाम को भी ये मुतालबा करना होगा कि कौमी फैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान के कुछ यहाँ के तबकात जो अशराफिया का हिस्सा हैं, उनका ये ख्याल है कि हमें अब चाइना के साथ मिलकर इस खित्ते की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। एक तबका वो है, दूसरा तबका ये वो है जो यूरोप में बिलखसूस बरतानिया और अमेरिका की लॉबी का हिस्सा रहना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान को ये चैलेंज दरपेश है अंदरूनी तौर पर कि हमें चाइना के साथ चलना है या हमें अमेरिका की क़यादत में जो ब्लॉक कायम है उस ब्लॉक का हिस्सा बनना है। एक तरफ लंदन प्लान की बाजगश्त है तो दूसरी जानब कौमी सतह पर जो सियासी तब्दीली है वो ये आई कि मौलाना फजलुर्रहमान कराची में गए और पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के साथ वहाँ पर मुलाकात की और उस मुलाकात में कौमी सियासत पर बातचीत की गई। और अब भी अपोजिशन की जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना होगा। सवाल सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरान जमात इतनी नाहिल है और वो मुल्की मफादात को, मुल्की मईशत को इस हद तक तबाह बर्बाद कर चुकी है तो फिर उसके लिए आइनी तरीका इख्तियार किया जाए। आइनी तरीका ये है कि आप कौमी असम्बली में बैठें, एक कौमी असम्बली के अंदर जो है अपनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के ज़रिए से नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ और फिर उसके बाद वहाँ पर कौमी असम्बली में बैठकर दबाव डालें। कौमी असम्बली में बैठकर दबाव डालने के बजाय आप असम्बली से बाहर बैठकर वो प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं जो कि 1947 से लेकर अब तक चल रही हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों के ज़रिए से मुल्की सियासत को लपेटने की कोशिश की जाती है। अब जो मुलाकातें अंदरूनी सतह पर की जा रही हैं और बैरूनी ममालिक में जो की जा रही हैं, उसका हदफ और लुब लुबाब ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सिस्टम को कैसे जो है वो डिरेल करना है। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान, मंझे हुए सियासतदान हैं, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों या दीगर जमातों के अंदर जो मंझे हुए सियासतदान हैं, वो आखिर क्यों इस बात को नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए जमहूरी रवैयों को इख्तियार करना पड़ेगा, जमहूरियत की मजबूती के लिए जमहूरी रास्तों को अपनाना होगा। अगर मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद है तो उसका जमहूरी रास्ता इख्तियार करना होगा और जमहूरी रास्ता
आईनी रास्ता ये बतलाता है कि कौमी असम्बली के अंदर बैठकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, कौमी असम्बली के अंदर बैठकर ऐसी करारदाद लाई जाए जिस पर मौजूदा हुकूमत पर जो है वो अदम अतमाद का इजहार करके ज़्यादा वोट हासिल किए जाएँ। अगर आप जमहूरी रास्ता इख्तियार करके पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा नहीं कर सकते तो फिर लंदन प्लान का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों साजिशें की जाती हैं। इस तरह की साजिशों के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी में रहे हैं। हर दौर के अंदर हर बड़ी कदावर जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है वो ऐसे प्लान मंसूबों का हिस्सा रही है जिसका अल्टीमेट हदफ जो है यहाँ पर इकतदार संभालना है और मुल्क को डीस्टेबलाइज करना है। ये जमहूरियत पसंद जो रहनुमा है इनको ये भी मुतालबा करना चाहिए, अगर इनको पाकिस्तान के साथ बहुत हमदर्दी है, कि आखिर क्यों नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, आखिर क्यों नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुल्की सियासत पर इस वक्त राज कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हों, चाहे वो मुआशी अमूर के मुशीर हों, चाहे वो आपके इक्तसादी अमूर के मुशीर हों, चाहे वो आपके कौमी सलामती के मुशीर हों, चाहे वो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुशीर हों, ये सब मुशीर जो नॉन इलेक्टेड यहाँ पर हैं, जिनके स्टेक इस मुल्क के साथ नहीं है, जिनके मफादात इस मुल्क के साथ वाबस्ता नहीं है। पाकिस्तान में लंदन प्लान जैसी इस्तलाह या लंदन प्लान जैसे साजिशी और खुफिया मंसूबे इसलिए राइज होते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं कि हम बतौर रियासत बफर रियासत के तौर पर काम करते रहे हैं और हम बतौर रियासत हमेशा आलमी इस्तेमारी ताकतों के आलाकार के तौर पर काम करते रहे हैं। जब तक हम इस किरदार से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान कौमी सतह पर ना तो खुद मुख्तारी हासिल कर सकेगा और ना ही कौमी सतह पर हम तरक्की की तरफ गामजन हो सकेंगे।